मैडम जरा एक साथ ना मैडम। बिग बॉस को मैं टिप्स क्या दूंगा यार? हाँ तो जो किया है वो बोलूंगा मैं, छुपाऊंगा थोड़ी। प्रोमो शूट किए मैं, प्रोमो ऑन है, एयर है, आज से शुरू भी हो गए, पहले भी आ रहे हैं एंड पहले भी किया हूँ मैंने, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। सीजन 5 भी मैंने किया था, हम लोगों ने ही किया था, और ये सीज़न भी हमने किया है। एंड कलर्स के साथ एक रिश्ता है, खतरों के खिलाड़ी मैं करता हूँ उनके लिए, तो एंड सो एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद समवन। Obviously miss him because he was not just an actor or not a personality, he was an inspiration because of his energy. जिस तरह से वो काम कर रहे थे और एंड तक उन्होंने काम किया, and he was always young in his personality, in his heart, you know, rather than his age. So obviously you miss him because he was an inspiration. I still remember his session at Whistling Woods. It was the most energetic session. He was probably the oldest person to do an interaction here, but the most, he didn't sit, he stood, walked and spoke. सब अच्छे हैं, क्या प्रॉब्लम है यार? अरे मेरे को तो दिख नहीं रहा है, देख। सब ठीक है। कैसा सवाल है? आपके घर वाले ठीक है? बाहर तो कुछ भी चलते रहता है, तू घर आ जा, शाम को खाना खा के जा। आ जा, मैं एड्रेस देता हूँ, आ जा डिनर कर, आ जा।